बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली जावेद स्कूल सिस्टम से। कंप्यूटर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी, और आज हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 4 और 5, ये दोनों कंबाइन लेक्चर होंगे। ये बेसिकली है डेटा और प्राइवेसी के ऊपर कि कैसे कंप्यूटर के अंदर लोग कंप्यूटर की फील्ड में कैसे इस डेटे को, डेटा सिक्योरिटी को मिसयूज करते हैं, जैसे कि फ्रॉड और मिसयूज हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट लॉ हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया और सबोटेज वगैरह, ये सारे के सारे कॉन्फिडेंशियल ऑफ डेटा सिक्योरिटी से रिलेवेंट टॉपिक हैं। फ्रॉड और मिसयूज, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के दौर के अंदर अगर हम देखें, इंटरनेट को जहां हमें इतनी ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड की हैं, जहां उसने हमें इतनी आसाइशें दी हैं, वहां कुछ उसके मिसयूज भी हैं। फ्रॉड और मिसयूज में कंप्यूटर को जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अनऑथराइज एक्टिविटीज़ जो है वो टेक प्लेस होती हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पर जो है वो थेफ्ट और मिसयूज वगैरह, ठीक है जी। थेफ्ट ऑफ मनी, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डेटा, थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर कमिटिंग क्राइम। अब अगर हम इसकी बात करें, थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, देखिए आज के दौर में कंप्यूटर की मदद से आप और द इंटरनेट, अगर आप हैकिंग जानते हैं तो इसकी मदद से आप लोगों के जो है क्या करते हैं, अकाउंट हैक करते हैं और पैसे वगैरह चोरी करते हैं। बेसिकली जो है ये एक साइबर क्राइम है, इससे रेलिवेंट जो है वो कुछ साइबर एक्ट भी आए हैं जो इसको रोकथाम में हमारी मदद करते हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी मदद से लोग जानबूझकर या अनजाने में इनके थेफ्ट में जो है वो आ जाते हैं, इनकी चोरी इनके झांसे में आ जाते हैं। जैसे वो हमें कहते हैं कि आप अपने अकाउंट का जो है वो क्या करें, पासवर्ड रीसेट करें। अगर आप पासवर्ड उनके कहने पर रीसेट करते हैं तो नया पासवर्ड उनको पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से हमारे अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। सर्विसेज, वो आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बाजू का आपको कहते हैं कि हम आपको ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इसके बदले आपको हमें चार्जेस देने होंगे, वो चार्जेस लेके आपको आपकी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। इसके बाद है वैल्यूएबल डेटा, आप ऑनलाइन अपना डेटा जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, या इसके अलावा आप अपना डेटा अपने मोबाइल्स में जो है सेव करके रखते हैं, कंप्यूटर्स में रखते हैं, तो हैकिंग की मदद से ये लोग जो है वो आपके वैल्यूएबल डेटे को चोरी करते हैं, आपकी सीक्रेट्स डेटे को चोरी करते हैं। इसके अलावा है थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर कमिटिंग क्राइम्स, आपकी पहचान चुराकर, आपकी आईडी चुराकर, आपका डेटा चुराकर, आपके पासवर्ड्स चुरा के उसकी मदद से किसी और ऐसे क्राइम्स के अंदर जो है वो क्या करना, इन्वॉल्व हो जाना, जिसमें जब वो उस डेटे का, उस चीज़ का पता चलेगा तो आपकी आईडी जो है वो क्या आएगी, सामने आएगी, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो अपना क्राइम करके निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर जब भी आप ये काम करने जाएं, कोई भी चीज़ आपने ऑनलाइन मंगवानी है, तो एहतियात करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक एज वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्या कहता है जी, पास होगा एक ईमेल आती है जिसे हम, वो कहता है कि जी इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, हम उस जाने अनजाने में या अनकॉन्शियसली या किसी ऐप से झांसे में आकर हम क्या करते हैं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमसे क्या करता है, पासवर्ड चेंज करने के लिए कहता है, और जिसकी वजह से जैसे ही एक वेब पेज होगा, ओपन होगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो हमें कहेगा आप अपना यूज़र नेम दें और पासवर्ड लिखिए, जिसकी वजह से जैसे ही हम क्या करेंगे, यूज़र नेम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे, तो बेसिकली वो आपका क्या करते होते हैं, पासवर्ड जो है वो चोरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी आईडी जो है वो क्या हो जाती है, हैक। अब वो चाहे उस आईडी से कोई भी क्राइम करना चाहे वो क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आइडेंटिटी थेफ्ट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी चोरी। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर नुकसानदेह यूजर जो है, जो अपने आप को, आपका सगा, आपका प्यार, आपका दोस्त, आपका करीबी जो है क्या करते हैं, बताते हैं और आपसे कोशिश करते हैं कि वो
इंफॉर्मेशन जो है हम क्या कर सके, ले सके, जो कॉन्फिडेंशियल हो। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं, जैसे कोई दोस्त हमें डिक्लेयर करता है कि मैं जी फराज बात कर रहा हूँ, काइंडली मुझे इसका पासवर्ड बता दें, ये कर लें, ये ऐड कर दें, तो हम बगैर जांच पड़ताल के हम उसे वो क्या कर देते हैं, डेटा दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका डेटा जो है आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। और इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, फिशिंग या फिर ट्रैपिंग। उसके बाद है हमारे पास पेटेंट। पेटेंट कंप्यूटर दौर के अंदर एक सहूलत है, वो ये कि जब भी आपके पास कोई आइडिया हो, आपको पता है कि वो आइडिया इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी मदद से आप जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या आपकी रिसर्च की बुनियाद पे कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जो मार्केट में आके बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें, अपने आइडियाज़ को, रिसर्च को क्या करें, पेटेंट करें, ताकि जब कोई भी यूज़र आपकी आपके उस आइडिया को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो पेटेंट उसे रोकता है कि बगैर राइट्स लिए उस ओनर से आप उसकी प्रोडक्ट ना तो बना सकते हैं ना सेल कर सकते हैं आपके आइडियाज़ की बुनियाद पे। अगर वो पेटेंट है आपका आइडिया, तो वो आपसे पहले क्या करेगा, पहले आपको पे करेगा, आपसे शेयर करेगा, आपसे आपके आइडियाज़ के बारे में पूछेगा, फिर वो उसके ऊपर काम करेगा और फिर मार्केट में चीज़ बेच सकता है, और उसका भी जितना परसेंट आपके साथ आया होगा वो आपको पे करेगा। इसके बाद है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ और पेटेंट में काफ़ी फ़र्क है। पेटेंट जो है वो आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कॉपीराइट लॉ ये कहता है कि कुछ आइडियाज़ और प्रोडक्ट जो है वो कॉपीराइट हैं, जैसे कि आप उन्हें दोबारा डुप्लीकेट या फिर उस तरह की चीज़ें बना नहीं सकते। कॉपीराइट लॉ से ट्रेड सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपी, यानी आप उन्हें डुप्लीकेट नहीं कर सकते। राइट आर रिजर्व फॉर कॉपिंग, यानी कि वो राइट्स जो है, वो हकूक जो है, वो क्या है, उस कंपनी तक महदूद हैं, आप उनको चुना नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, ये जामिया स्कूल सिस्टम है, मैं इसकी ब्रांच लिए बताया भी जामिया का नाम इस्तेमाल करने लग जाऊं, तो ये मुझ पर जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी कापी राइट इफ अ प्रोडक्ट इज कापी राइट प्रोडक्टेड, तो सी सम सैंपल ऑफ कापी राइट, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी चीज़ जो है वो कापी राइट से प्रोटेक्ट की गई है, तो आप इस तरह के सैंपल देख सकते हैं, जैसे सी है, और उसके साथ है जी कापी राइट इस तरह का। द बुक यू आर रीडिंग, जो आप बुक पंजाब टेक्स्ट बुक की पढ़ रहे हैं, वो भी कापी राइट प्रोटेक्टेड है, तो इसकी भी डुप्लीकेशन बनाना जो है वो क्या है, इलीगल है। अगर आप इस तरह की फोटो कापी बना के मार्केट में बेचने लग जाएंगे, तो पंजाब टेक्स्ट बुक आपके साथ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जुर्माने के तौर पर आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स यूजुअली जो है वो क्या होते हैं, वो सीक्रेट्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी कंपनी की सक्सेस के लिए। यानी आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाने के फार्मूले हैं जो दूसरी कंपनी के पास नहीं है, और उन फार्मूले, उन रोल्स, उन किरदार की बुनियाद पर, उन अच्छी एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा फ्लोप हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपने जो सीक्रेट्स हैं उन्हें क्या करें, मोहतात अंदाज में जो है वो क्या करें, सेव करें। अगर दे हैव लॉट ऑफ वैल्यूज एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी, ये इनकी जो वैल्यूज होती है वो बहुत ज़्यादा कीमती है इसके लिए, कंपनी के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, दो कंपनियां एक तरह प्रोडक्ट बना रही है, एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो क्या है, ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है मार्केट के अंदर उसकी, तो आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो सीक्रेट्स हैं, वो उस कंपनी के लिए, उसके सक्सेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वही वाले सीक्रेट्स जो है वो आपकी किसी और कंपनी को पता चल जाए, तो इससे क्या होगा, इससे ये नुकसान होगा कि वो उस तरह की प्रोडक्ट बनाने लग जाएगी और आपके जो कस्टमर होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी भी कंपनी के अंदर जो भी कस्टमर जो है वो कोई भी चीज़ परचेज करता है, तो उसकी जो डिटेल है या जो भी इनकम आप बैंक के अंदर स्टोर करा रहे हैं, लेन देन का जो भी काम है, तो बैंक को चाहिए कि वो आपकी जो सीक्रेट्स हैं वो आप तक महदूद रखे, किसी और को ना दें। अगर वो किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करेंगे, तो वो कंपनी
एक्सेस करेगी उन कस्टमर्स को और उन्हें क्या करेगी, डील देगी कि हम आपको इससे भी कम कीमत पे क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी कंपनी को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सबोटेज, हमारे पास सबोटेज जो है वो एक कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटी है, ये एक सीरियस अटैक है कंप्यूटर के ऊपर और जिसकी वजह से मलेशियस यूजर, एक नुकसानदार यूजर जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, अटैक करता है वायरस हिटिंग रिमोटली कहीं भी दुनिया में बैठकर। वो आपको फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, नेट से ऑन डाउनलोड करते हैं उन चीज़ों को, हो सकता है कि उनके अंदर क्या हो वायरस हो, वो ट्रैक करने के लिए क्या किए गए, प्रोवाइड किए गए। जैसे ही आप क्या करते हैं वो वायरस वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर अगर वायरस मौजूद है तो वह हैकिंग करने में क्या करेंगे, उस हैकर की मदद करेंगे। वायरसेस वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जिन्हें जानबूझकर लिखा गया है ताकि वो कंप्यूटर यूजर की फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें या फिर उसे डैमेज कर सकें या पूरे के पूरे डेटा को क्या कर सकें, डिलीट कर सकें। ये आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर वायरसेस जैसे कि इंसान के अंदर एक वायरस बीमारी है, इसी तरह से वायरसेस भी क्या है, एक बीमारी है जो कंप्यूटर के लिए, ताकि जिसकी वजह से क्या होता है डेटा डिलीट हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है और जिसकी वजह से डेटा लॉस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑथेंटिक नहीं है, जो वेबसाइट्स ऑथेंटिक नहीं है, वहाँ से डाउनलोड ना करें और उसके अलावा अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी क्या करें, इंस्टॉल करें। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे स्कूल के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।